हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेफ्रिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन की रेसिपी। आपने चाउमीन घर में बहुत बार बनाई होगी। मैं इस वीडियो में एकदम यूनिक तरीका बताऊंगी जिससे आप बिना विनेगर के चाउमीन घर में बना सकते हैं। इसमें आपको विनेगर वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल घर की सॉसेस से बनाएंगे और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो आप ये वीडियो देखने के बाद मेरे तरीके से चाउमीन घर में जरूर बनाएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चाउमीन नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 चम्मच हम ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें जाएगा आधा चम्मच जीरा। जीरा को चटक जाने दें और जीरा जैसे ही चटक जाएगा तब इसमें डाल देंगे हम लहसुन। तो यहाँ पे लहसुन की क्वांटिटी ज्यादा ले, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन जो है 7 से 8 पीसेस इसमें लिए हैं। अच्छे से हम इन्हें थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे और इन्हें पका लेंगे 2 से 3 मिनट, जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब ये अच्छे से पक जाता है तब इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चाउमीन में। और अब इसमें जाएगा प्याज। तो यहाँ पे नॉर्मल प्याज मैंने लिया है और जो ग्रीन वाला लंबा प्याज आता है वो भी लिया है। उसका व्हाइट वाला पोर्शन लेना है, वो हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। और जो ग्रीन वाला ऊपर का पार्ट रहता है वो आपको बाद में सर्विंग के टाइम डालना है, उससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा चाउमीन में। तो इन्हें हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो फ्लेम को एकदम मीडियम रखें और प्याज को सॉफ्ट होने तक आपको पका लेना है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये देखिए आप, प्याज सॉफ्ट हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 6 से 7 बारीक कट की हुई ली है। इसके बाद शिमला मिर्च, ये मैंने लंबाई में कट किया है, और टमाटर। सारी सब्जियां जो मैं यूज करी वो मैंने लंबाई में कट की है जिससे ये देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी। गाजर डाल देंगे लास्ट में और इसके बाद डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाला मैंने। नमक के अलावा हमें और कोई स्पेशल मसाला इसमें यूज नहीं करना है, सिंपल हम नमक डालेंगे और इन्हें कंटिन्यू स्टर करके पकाएंगे। चाउमीन में आपको सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप सब्जियों में हल्का सा क्रंच रहने देंगे तब टेस्ट बहुत अच्छा आएगा चाउमीन में। तो इन्हें आप थोड़ा सा सॉटे कर लें जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाए और इसमें क्रंच बाकी रहे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए हमने पकाए, और ये देखिए आप हल्की सी ये सॉफ्ट हो गई है लेकिन क्रंच अभी भी इनमें बाकी है। अब ऐड कर देंगे इसमें ये नूडल्स। तो नूडल्स मैंने पहले से बॉइल्ड कर लिए थे, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर हमें सॉस नहीं डालनी है, सिंपल आप सब्जियों के साथ चाउमीन को मिक्स करें, बाद में हम इसमें सॉस डालेंगे। और ये हम बिना विनेगर के बना रहे हैं इसीलिए हम सॉस लास्ट में ही डालेंगे। तो ये देखिए आप अच्छे से मिक्स कर लिया है, सब्जियां एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुकी हैं चाउमीन के साथ। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। तो आप किसी भी ब्रांड का या कंपनी का सोया सॉस इसमें यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है, 2 चम्मच डालना है, ज्यादा नहीं डालेंगे वरना बहुत तीखी बनेगी चाउमीन। इसके बाद डालेंगे सेम क्वांटिटी में रेड चिली सॉस, और इसके बाद ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस भी हमें सेम क्वांटिटी में लेनी है, यानी सारी सॉसेस 2-2 चम्मच लेनी है। और इसके बाद लास्ट में जाएगा टोमेटो का केचप, ये भी 2 चम्मच लेना है आपको। अगर इसमें ज्यादा मीठी चाउमीन पसंद है या फिर टोमेटो का फ्लेवर पसंद है तब आप यहाँ पे 3 चम्मच टोमेटो का केचप यूज करें। और अच्छे से टॉस कर लेंगे हाई फ्लेम पर। टॉस आपको हाई फ्लेम पर करना है जिससे इक्वल फ्लेम पूरे में पहुंच पाएगी। तो इसे आप हाई फ्लेम पे करें और स्पैचुला 1 चम्मच की हेल्प से इसे टॉस कर लें जिससे कि सॉस भी अच्छे से पूरे में स्प्रेड हो जाएगी और चाउमीन जल्दी बनेगी। तो ये टॉस करने के बाद हमारी चाउमीन बनके एकदम तैयार है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा प्याज। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाल दें, ये आपको बिल्कुल लास्ट में डालना है गैस के फ्लेम को ऑफ करके, वरना ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। मिक्स कर लेंगे। तो आपने इस वीडियो में देखा कि हमने इसमें विनेगर वगैरह का यूज नहीं किया है, ना ही नींबू के रस का यूज किया, और चाउमीन एकदम फटाफट बनाई। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में चाउमीन मेरे तरीके से जरूर बनाएगा, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए अब देखने में भी एकदम बढ़िया बनी है। तो आप एक बार ये चाउमीन बना के जरूर ट्राई करें। आप इसे आराम से रख सकते हैं 2 से 3 घंटे, बिल्कुल भी ये चिपचिपी नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। और सर्व करने से पहले आप इसे गार्निश करें हरे प्याज के साथ जिससे ये देखने में और भी बढ़िया लगती है। तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी? अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आज की आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।